गठबंधन का रैली है, संकल्प रैली है। 3 मार्च को होने वाली एनडीए की संकल्प रैली न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मैं तो इतने दिन से राजनीति में हूं, पहली बार हम देख रहे हैं कि लोग खुद उत्साहित हैं। आज एनडीए के कार्यकर्ता कहीं आमंत्रण लेकर पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि आप देर कर दिए, आप आमंत्रण आज दे रहे हैं, हम तो रैली की तैयारी कर ली है पहले ही से चलने की। तो जनता में स्वस्फूर्त, और मैं समझता हूं किसका कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का विकास पुंज, विकास की किरणें घर घर तक पहुंची है। बिहार सरकार के विकास की किरणें घर घर तक पहुंची है। लोगों को लगता है कि अब विकास के कारण हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। गरीबों के घर में बिजली लगी है, शौचालय बने हैं, घर बन रहे हैं, गांव सड़के से जुड़ रहे, बड़ी रफ्तार से जुड़ रहे, किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है, मुद्रा बैंक से लोगों को लोन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, आयुष्मान भारत से लोगों को, एक परिवार को साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह रैली पूर्व से आयोजित है ना, और जो हमारे सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है उसको सलाम है। और यह रैली भी तो एक साथ जब लोग जुटेंगे और गांधी मैदान से जो बुलंद आवाज निकलेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी को गांधी मैदान में लाखों लाखों लोग आशीर्वाद देंगे, वैसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने सेना को कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे रखी है, तो वैसे अपने प्रधानमंत्री को जो आशीर्वाद देने के लिए लोग पहुंच रहे और अपनी बुलंद आवाज से सेना को भी लोग सलाम करेंगे, सेना के शॉर्ट को भी सलाम करेंगे, इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान की ओर से भी आप, पाकिस्तान तो बोलते ही रहता है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, यह सेना का विषय है और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हर पल हर क्षण इसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद को अभी भी कार्यकर्ता ही मानते हैं, कार्यकर्ताओं की तरह ही काम करते हैं, सरकार के कामकाज को देखते हुए भी जरूरत पड़ने पर संगठन कार्य में भी उनकी रुचि रहती है। आज देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं से बात कर उन्होंने यह दर्शा दिया कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधान सेवक तो है ही, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। उनके आज संबोधन से, महासंवाद से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और नई ऊर्जा मिली है। साथ साथ उनके मार्गदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से काम करना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, यह भी परिलक्षित हुआ है। तो आज का महासंवाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के साथ साथ जो उनका मार्गदर्शन मिला है वह एक तरह से संगठन सूत्र के रूप में मिला है।